हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दहिया। आज बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया है और डीक्रस्ट का ये रिज़ल्ट है जो मुरतल यूनिवर्सिटी है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड दोनों का रिज़ल्ट आ चुका है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप रिज़ल्ट अपना निकाल सकते हो। ठीक है, एमडीयू का पहले ही आ चुका है, डीक्रस्ट का भी आ गया। अभी जो CRSU है उसका भी बहुत जल्द रिज़ल्ट आ जाएगा, अगस्त में देखने को मिल जाएगा आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट। ठीक है, तो जो डीक्रस्ट का रिज़ल्ट है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं किस तरह से आपको निकालना है, कहाँ पर आपको साइट ओपन करनी, किस तरह से करनी है, क्या पासवर्ड वगैरह जो भी डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको किसी भी ब्राउज़र में जाकर जस्ट सर्च करना है डीक्रस्ट रिज़ल्ट। ठीक है, डीक्रस्ट रिज़ल्ट जब आप सर्च करेंगे अपने साइट पर, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं डीक्रस्ट एग्जामिनेशन बिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो देखते हैं क्या है। तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पासवर्ड वगैरह आपका यूज़र नेम इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको। देखिए, फर्स्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एजुकेशनल प्रोग्राम, यहाँ पर आपको डालना है अपना जो ID, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फिल करना है, और पासवर्ड में आपको डालना है जो आपके पास मेल आया होगा उसमें एक पासवर्ड होगा। ठीक है, तो 5 या 6 डिजिट का एक पासवर्ड होता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर आप फॉरगेट पासवर्ड पर भी जाकर अपना जो पासवर्ड है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये ओपन हो रही है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो यहाँ पर इस तरह का जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो भाई, यहाँ पर सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है। वहाँ पर आपको नाम, रोल नंबर वगैरह, ID मांगेंगे आपसे, फ़ोन नंबर मांगेंगे, तो वो फुलफिल कर देना है। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर भी आप जाके आपको दिखाई देगा कि आपको रोल नंबर आपका मांग रहा है, तो आप अपना रोल नंबर वहाँ डाल दीजिए, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने होगा। बीएड फर्स्ट ईयर का होगा या फिर बीएड सेकंड ईयर का, जिस भी ईयर का आप देखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप डीक्रस्ट का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन थी आपके लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कितना आया है, किस तरह का आपका रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।